मामा बाबा नहीं, अब तो बहुत करती हूँ यार, अब क्या हो गया, अब तो अलहमदुलिल्लाह काफ़ी खुश रखा है अपने माँ बाप को। शादी का प्रेशर है? नहीं अब नहीं है, पहले था, पहले था, अब नहीं। अब नहीं है, लेकिन कैसे डील अब करती हैं? मुझे है और वो कहते हैं बस कर दो बैठ जाओ चुप करके। अभी आपको है? हाँ मुझे इस तरह की, मैं सेटल डाउन तो होना है, वो तो इंशाल्लाह। होंगी हाँ जल्दी, होंगी 3-4 साल में, मतलब ओके जल्दी है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लोग कहते हैं भी काम करो ये वो, आई थिंक सो मुझे ये चीज़ खूबसूरत लगती है, शादी ओके करूंगी, मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस लेना चाहिए यार। नहीं, बिल्कुल करेंगी आप, मज़ा आएगा इंशाल्लाह, हाँ उसे कोई शक नहीं हमें क्या आप करेंगी। हाँ अच्छा ये बताइए, जब अब इंडस्ट्री में आप आ गई हैं और वैसे भी ब्रांड्स के साथ आप काम करती हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, जी प्रोफेशनलिज्म कैसा है, कितना है नहीं है? डीलिंग्स में लोग जैसे पेमेंट्स होती हैं वो अच्छा आसानी ये से, मैं ओके उस हिसाब से बात करी हूँ कि जब आप डील करती हैं ब्रांड्स के साथ या आप डील करती हैं लोगों के साथ इंडस्ट्री में एज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो लोग कैसे बिहेव करते हैं? वो आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? कभी कभी वो आपको सीरियस नहीं लेते क्योंकि आप इतनी यंग लगती हैं, यंग हैं, नहीं नहीं तो कहते नहीं हैं अच्छा भाई इसको कुछ भी चला नहीं दो, नहीं नहीं या पीपल आर वेरी प्रोफेशनल, दे टेक यू सी, पेमेंट्स टाइम पे हो जाती हैं, ब्रांड्स आपके साथ कोई इधर उधर की बात नहीं करते, लाइक हाउ इज़ इट? मैं बताती हूँ आपको। सीरियस तो किसी भी कंटेंट क्रिएटर को लेंगे अब, क्योंकि लेंगे? और मुझे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं ओके अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह। सब कुछ जा रहा है, क्योंकि काम मेरा अच्छा है तो ब्रांड्स रीच आउट टू मी, लाइक दे रीच आउट एंड यू नो दे वांट दे स्टफ़ के इस पर रील बना दें एंड ऑल, वो फिर अपना जो भी है बताते हैं कि इस में ये बजट है, मैं अपना बताती हूँ तो वो सीरियस लेते हैं, और कभी भी बजट में भी मुझे मसला नहीं हुआ, और मुझे हैंडल भी करती है मेरी एक एजेंसी है इंटरनेट पर, तो मेरे पास मैनेजर्स भी हैं तो वो भी मुझे हैंडल करते हैं, तो सच मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ इधर से अपने ठीक कंटेंट है। क्रिएशन से, तो क्योंकि मैंने बताया कि यूं ही इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो अभी तक मैंने वो एक्सपीरियंस लिया नहीं है कि पेमेंट वगैरह ये वो ओके कि मतलब ठीक लेट है, हो रही है ये है वो, तो तो ये तो अभी आप इंकरेजिंग बात बता रही हैं उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं हाँ कि हो जाता है, अच्छा से आप सेटल हैं, कोई मसला नहीं बिल्कुल हुआ। बिल्कुल कुछ मसला नहीं है, हाँ आपको खुद यू हैव टू बी वेरी शार्प इन दिस केस, इफ़ यू आर अगर यू आर डूइंग लाइक यू वर्किंग फॉर अ ब्रांड और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आपने बताना है, मेरी रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि इसमें ये होगा ये होगा, ओके क्योंकि अब लीगली तो मैं बताती हूँ कंटेंट क्रिएशन में आपने एक स्टोरी लगानी है किसी की कि इसने ये किया है, 24 घंटों में आपकी चीज़ वापस आ, इतना इसकी वर्थ है सोशल मीडिया की। अब पहले आपको टीवी तक, जब टीवी का दौर था, चीज़ हफ्ते डेढ़ बाद निकल रही है बाहर, ये रातों रात आप कहें कि अल्लाह माफ़ करे किसी ने मुझे हरास किया है, लाइबा मुझे अल्लाह माफ़ करे किसी ने धमकी दी है, लाइबा मुझे मतलब किसी ने मेरे बारे में गलत स्टेटमेंट डाला है, कोई मुझे मतलब किसी ब्लैकमेल करे वगैरह, 2 मिनट की बात है, अब तो ऐसे वीडियोज़ आती हैं, अब तो ये तक डिफेंस वाले इलाकों में जिस तरह होता है लोग जिस तरह वडेरे शडेरे घरों में घुसाते हैं, इस तरह काफ़ी केसेस आपने देखे होंगे, पहले वो भी बाहर नहीं आते थे, थ्रू टीवी आते थे, न्यूज़ के थ्रू आते थे, अब तो इंटरनेट पर लड़कियाँ डाल देती हैं कि हमारे साथ ये मसला हुआ है, तो दिस इज़ वेरी गुड। इंटरनेट को अगर मैं इंटरनेट के साथ हूँ ना तो इसी वजह से हूँ कि एक चीज़ मेरे पास सेफ है, सेफ साइड ये है, कभी भी अल्लाह माफ़ करे कुछ लाइफ में हो, किसी भी लड़की के साथ हो तो मेरे पास आओ डीएम पे, मुझे जो भी कोई कहता है ना कि ये लगा दें ये, मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अगर किसी की हेल्प हो रही है तो इसकी इतनी वर्थ है, बहुत सेफ है ये चीज़, तो आप उसको डबल चेक कर लेती हैं कि जिसने भेजा है वो सही है या काफ़ी नहीं? अगर मेरी फेलोज ने लगाया तो फिर मैं भी करती हूँ, ओके अगर किसी ने नहीं लगाया फिर मैं नहीं करती हूँ, कि वो चीज़ आप पे भी आ ऑफ सकती कोर्स, है। हाँ बट आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दैट कि आप इतना कुछ कर रही होती हैं, या मैंने नहीं सोचा था इस बहुत तरीके ही से। चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत हाँ ही चीज़ें हैं, लोगों की आप हेल्प भी कर सकते हो, मुझे ये तो बताएं कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस प्रोफेशन को आपको, या आपको लगता है कि आप अर्न कर रही हैं, आप इस्टेब्लिश भी हैं, आप नोन भी हैं, लेकिन सोसाइटी में आसपास अभी तक कंटेंट क्रिएशन को उस रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता? अभी थोड़ा सा नॉन सीरियस लेते हैं, ओ अच्छा कंटेंट क्रिएटर हो, नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे सराउंड हो, में तो सब बहुत नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, ओके दैट्स दे रिस्पेक्ट्स मी अलॉट अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोगों के अपने ओपिनियन हैं, कहते हैं कुछ लोग के क्या है ये वो, बट मेरे तक कभी कोई नहीं आ सकता, और जब आएगा तो फिर गुड। बताऊंगी उसको। अच्छा ये बताएं फैन रिएक्शन क्या है जब पहली बार लोगों ने पहचानना शुरू किया, क्या हुआ, कोई इंसिडेंट है, मैं रिएक्शन क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन तक पहली बार सो ही नहीं तो होंगी 2 दिन तक? 2 दिन तक सोई नहीं, और इस तरह सीन था कि मैं खुश, ठीक है यार, ऑफ मतलब कोर्स। वहाँ पैसे बूढ़े वो मेहनत पूरी, यू नो जब आप जाओ तो 4 बंदे आपको मिलने आते हैं ना, तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं जफ्फी डाल लेती हूँ, मैं कहती हूँ इधर आओ इधर आओ, मैं जफ्फी डाल लेती हूँ, हाँ तो हुआ क्या, पहली बार क्या हुआ, कौन थे और कैसे हुआ? अंकल आए थे अच्छा मौलवी साहब थे,
मैंने कहा शिट, ये तो कहेंगे बेटा आप क्या कर रही हैं, यू थॉट लेक्चर मिल जाएगा। उन्होंने क्या कहा, मेरी बेटियां आपकी वीडियोस देखती हैं और वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने अपना कैमरा निकाला और उन्हें वीडियो कॉल की, so nice. और उनकी वाइफ, उनकी दो बेटियां थी, एक बेटा भी था, बेटा तो चलो वो साइड पे था, बट दो बेटियां थी और इनकी वाइफ थी, वाइफ ने भी निकाब किया हुआ था, और सब लोग, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हर हर किस्म का इंसान देख रहे हैं, और वो गलत नहीं समझ रही थी, तो उनको पता है कि एक चीज़ हंसाने वाली बंदी है, तो फिर मैंने उनको सलाम दुआ ली, तो मेरी आंखों में आंसू भी थे, मैंने कहा यार अल्लाह ये कैसे हो सकता है, तो अब तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। और अल्लाह से क्या ताल्लुक है, अल्लाह की हम बात ही कर रहे थे, अल्लाह से तो मैं बहुत करीब हूँ, क्या जाने वहाँ से बैठ के खूब दुआएं होती हैं या चलते फिरते दुआ, मैं तो लेट जाती हूँ सो भी जाती हूँ जाने वहाँ पे। हाँ ओके okay. रमज़ानों के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि उधर मतलब मैं एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है उन दिनों, एक डिफरेंट माहौल होता है ना, आप क्योंकि मैं सकून में हूँ। अगर मैं किसी तरफ से लाइफ में, अगर डिप्रेशन भी बहुत दफ़ा हुआ है, मैं डिप्रेशन में भी रही हुई हूँ। ओके किस वजह से? डिप्रेशन की वजह नहीं होती, आप खुद लेकर आते हो अपने पे वो टाइम। आप बात करना चाहेंगी इस पे, बिकॉज बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि ये बात आपने बड़ी अच्छी बोली है, हम लोग हमेशा समझते हैं कि कोई वाकया हुआ होगा, कोई दुख या कोई चीज़, तभी कभी कभी डिप्रेशन। वाकये तो हर रोज़ होते हैं रबिया, वाकये तो मैं कहती हूँ जो मेरे साथ हुए हैं लाइफ में बहुत अजीब अजीब हुए हैं। इस एज में ही मैं कहूँगी यार कैसे कैसे लोग हैं, कितने गंदे हैं, तो वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, आप हो जाते हो एक पॉइंट पे जाके, लेकिन मैंने अभी नोट कर लिया कि मैं उस चीज़ से बाहर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नोट कर लिया कि आपने खुद अपने आप को उस चीज़ से निकालना है, और आप खुद पागल हो अगर आपने आपको उन चीज़ों से अफेक्ट कर रहे हो और उन लोगों में उठ बैठ रहे हो। पहले तो ऐसे बैड एनर्जीज इनसे निकलो, गंदे लोगों में उठना बैठना बंद करो, कॉन्शियस ना हो अपने सराउंड को देखे कि मुझे भी उठना बैठना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा, प्रेशर है। डोंट डू दिस थिंग। आप लोगों में खुशी मत ढूंढो, खुशी अपने माँ बाप में ढूंढो, अपनी फैमिली में ढूंढो, क्योंकि वो कभी नहीं आपको छोड़ने वाले। आपको समझ आई इस चीज़ की? मुझे आपकी बात इतनी ज़बरदस्त लगी है, इतनी अच्छी बात है, मुझे लगता है ये बहुत कहने की जरूरत थी जो आपने कहा है ना, आई होप लोग सुने, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुत दफ़ा हम लोग एक उसमें ना कि वो हमें इस सर्कल का पार्ट होना है, वो हम इन चार लोगों के साथ बैठे, इसमें तो बहुत ये है, लेकिन हम खुश नहीं होते और हम वो होने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, तो इसलिए भी आपको थोड़ी सी वो इस फील्ड में भी बहुत ऐसा है, मेरी कंटेंट क्रिएशन में भी है, लोग रोज़ डिनर्स हो रहे हैं, सारी लड़कियां इकट्ठी हुई हैं, अच्छी बात है, देर लाइक दे हैव देयर ओन चॉइसेस, तो आई कैन नॉट जज एनीवन, बट मुझसे वो नहीं हो, अगर दे आर कंफर्टेबल डूइंग इट व्हाई नॉट, मेरी भी हैं काफ़ी हैं, मैं मिल रही हूँ कराची, क्योंकि अब कराची अकेली होती हूँ, आना जाना लग गया, मैं मिलना शुरू हो गई हूँ, बहुत क्लोज हैं, लेकिन मेरा वो रोज़ का नहीं है कि मैं पागल हुई हुई हूँ, तो वो मैं समझती हूँ। डिप्रेशन किस वक्त आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं इस फेज से गुजर रही हूँ, फिर कुछ किया, क्या प्रोसेस था? डिप्रेशन इस तरह था कि मुझे इस साल हुआ था। ओके मुझे इस साल डिप्रेशन हुआ था, और उसमें ये नहीं था कि मतलब अल्लाह माफ़ करे कि मैं भाई पागल हो गई एंड ऑल, इस तरह था कि वो ना बस चीज़ों को लेके एंगजाइटी होती थी कि यार ये काम क्यों नहीं हो रहा, वो काम क्यों नहीं हो रहा, वो काम कब होगा, मेरा ये एक पॉइंट आ गया था, वो पॉइंट आ गया था जो कि बहुत गलत, एज अ लाइक एज अ ह्यूमन अगर मैं देखा जाए तो ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, अल्लाह पाक ने आपको जो टाइम दिया उसको इन्जॉय करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लोगों से इफेक्ट मत हो, जो मर्जी करते हैं करें, लोग आपके अपने नहीं बन सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो किसी ने आपको ये रियलाइज कराया या आपको खुद ये रियलाइज होता है? खुद ही रियलाइज हुआ, मुझे किसी ने ठीक नहीं किया, मैं खुद ठीक हुई हूँ। क्या किया आपने? बस खुद ही अपने आपको मोटिवेट किया, अपने काम पे फोकस किया, अल्हम्दुलिल्लाह आगे और भी मेरे काम आएंगे, तो मतलब इस तरह की चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, अपनी फैमिली में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, पहले मैं बीच में थोड़ा सा साइड पर हट गई थी, फिर मैं ज़्यादा और इन्वॉल्व हो गई, मैंने कहा नहीं ये गलत है, तो जब आप अपनी फैमिली को प्योरिटी दोगे ना तब आपको समझ आएगी, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी बच्चे अब अपनी फैमिली से दूर हो चुके हैं प्रोफेशनलिज्म में आकर, ये दिस इज़ नॉट राइट। मैंने बल्कि आपसे ये सवाल भी करना चाहती थी कि आपके जो पेरेंट्स के साथ मैंने बॉन्ड देखा है वो इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, जो मैं वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने आसपास बहुत सी जगहों पे नहीं देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब बच्चों का माँ बाप के साथ बहुत दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आपको क्या लगता है जब आप अपने आसपास अपनी दोस्तों को या अपने एज के लोगों को देखती हैं, उनके पेरेंट्स को देखती हैं, क्या चीज़ है, पेरेंट्स की तरफ से क्या कमी हो रही है, यंग लड़के लड़कियों की तरफ से क्या कमी हो रही है जो ये चीज़ मिसिंग है? मैं आपको बता, दोस्ती नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, यू नो वो कम्युनिकेशन नहीं है। कुछ पेरेंट्स भी बच्चों को भी तो स्पेस दें ना,